हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर है जोसेफ मॉर्फी। तो ये किताब में खास करके जानकारी देने के लिए लिखा गया कि हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना हम सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत यानी मैजिकल पावर से हमको वाकिफ करवाना और बतलाना ही इस किताब का असली मकसद है, ताकि हम इस किताब का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो इस किताब का पहला चैप्टर कहता है कि हमारे अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिख करके बताया कि दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और उसने खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसे लेखक ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति को बहुत प्यार करती थी। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मिस्टर से मिले और उसे प्यार कर बैठी, और आज दोनों शादीशुदा है और खुश हैं। और कहने का मतलब है कि हमारे अंदर एक पूरी सोने की खान है जो सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर हम अपने इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाए तो क्या बात है। क्योंकि किसी टेस्ट से पहले हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो एक्चुअली में हम अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। हम अपने दिमाग के सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होंगे कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं करना है। कभी भी दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे, विश्वास रखे और उम्मीद भी कि हम देखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर, इसमें हमारा दिमाग कैसे काम करता है वो बताया गया है। और इसका एग्जांपल है एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली गई, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि यही कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो डेली सोचती थी कि उसकी याददाश्त तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हुआ यूँ कि उसका मजबूत विश्वास था कि उसके साथ सच में ऐसा हुआ। मगर ये समझना जरूरी है कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग पार्ट है। कॉन्शियस माइंड वो है जो केवल सोचता है, और सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, छोटी छोटी जो पूरी तरीके से यकीन दिलेगा हम कुछ भी बोले, वो हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो बस एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हिप्नोसिस के पीछे एक वजह यही है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस पर यकीन करता है, और फिर हमें जो भी कहा जाता है उसे हमारा कॉन्शियस माइंड बिना किसी जीत के बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मानने लगता है, फिर चाहे फिर सही हो या गलत है, उसे वो बेझिझक अपनाएगा। तो याद रखें कि हम अपनी कश्ती के खुद ही मालिक है, सारा कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। तो सोच समझ कर चुने और अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। और अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में जानेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई तारीख। इसमें रियल स्टोरी काफ़ी मदद करेगी। तो इसमें डॉक्टर ने काफ़ी 400 ऑपरेशन किए तब तक में एनेस्थीसिया की खोज नहीं होती जिसमें वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपने पेशेंट को कैसे बेहोश किया। तो उन्होंने अपने पेशेंट को एक मेंटल एनेस्थीसिया दिया, वो उन्हें पूरी तरीके से यकीन दिलाते थे कि ऑपरेशन पे उन्हें किसी तरह का दर्द होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगा। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी कि पेशेंट के मरने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। तो अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वो अपने मरीजों के कानों में बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम हेल्दी हो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ हैंडल कर लेता है, हमारा डाइजेशन, हमारे थॉट्स, हमारे खून के बहाव सब हैंडल कर लेता है। एक बार अगर हम अपनी ताकत को समझ ले तो हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो इसे डिस्ट्रैक्टिव इमोशन होते हैं, जिसे हमें दिमाग में यही हमारे एक्शन बनने लगते हैं, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करता है। तो जब भी हम सोए हम मन में एक इरादा करें और एक टारगेट चुने और खुद से ही कहें कि हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हम कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में। पॉजिटिव विचारों को आने दीजिए और अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहिए, और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे, क्या चमत्कार होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में बात करते हैं, जहाँ पे मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके को के बारे में जानेंगे। तो बात ऐसी है कि 1910 का एक मशहूर किस्सा है, एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ था, यानी कि जीभ को लकवा मार गया था। उन दिनों उसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जवान में एक थर्मामीटर रख करके कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, एकदम खतरनाक मशीन जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी।
और सच में कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, और फिर वो उसी बीमारी के खास बीमारी है या नहीं है, क्योंकि फिर लोग उसी बीमारी का सिम्टम्स देखने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं उसी कही हुई बातों पर यकीन करते हैं और उसे वही प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है, क्योंकि ये ऑपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज को यकीन दिला जाए कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि उसकी वो कभी बीमार का शिकार हुआ ही नहीं था। तो हमारे शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। न जाने हमारे जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसीलिए कोई भी मौका मिस नहीं करना है। तो आज इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम लोग वाकिफ है कि नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। वैसे ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ हील कर सकती है, ठीक कर सकती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई ऐसा प्लान बनाए, उसे काम करता हुआ देखे, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दे, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात यह है कि प्रेयर करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। इसी के साथ आगे चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम जानेंगे कि मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जब गोल्डन गेट ब्रिज बना, तब इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूत और पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप्स पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरीके से नाकामयाब रहता। तो जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है, वे भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि जो भी हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पे मिलता है। तो इनमें से ना जो सबसे पहले टेक्निक है वो है पास ओवर टेक्निक, यानी कि सिंपल तरीके से अपने थॉट्स और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि हम कोई भी किसी भी तरीके की सिकनेस दूर कर पाए। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरीके से खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर के बाद में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक महसूस करने लगेगी बिना कोई मेडिसिन के। और दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में विजुअलाइज करके इमेज क्रिएट करके ऐसा कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे उसका वॉलपेपर लगा करके ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी हम बना सकते हैं। ये अपने सपने के फोटो कार्ड कार्डबोर्ड में लगा करके और रोज उसे देखें। और अब आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होंगे तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हम अपने दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद करते हैं। और इसीलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। तो अब आगे बात करते हैं 7वें चैप्टर की, जो कहता है कि सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। कहने का मतलब यह है कि लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखना होता था, और इस तरह से वो कहते हैं कि उस सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरीके से तैयार करके दे देती थी, जिसे बाद में वो लिख लेते थे। उसकी इस बात का बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत ही आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। मतलब यह कि फ्रेडरिक एलियंस एंजियस एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लियोसिस का भी कहा जाता है। तो अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर के एक तंदुरुस्त इंसान बन गया।
सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया है, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में हमारा शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे, क्योंकि ये हमको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और आगे 8वां चैप्टर में हमको पूरी मदद करेगा कि जो भी रिजल्ट हम पाना चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। तो इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक मकान मालिक था जो बात पर लड़ रहा था कि क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयर मैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के तो बस $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 यानी कि $195 तो वो अपनी इस काम के नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह से हम अपना सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास हमारा शरीर, मन और आत्मा की हर टाइप की तकलीफ और दुख दर्द को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक बहुत ज़रूरी रीज़न है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगा करके प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पाता है। इसीलिए अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो, अपने सपनों को पूरा होता देखे बार बार। और अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 की, जहाँ पे हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस की पावर को कैसे और अपने पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ऑथर का दोस्त सालाना 75,000 यानी कि 55 लाख रुपए कमाता था। तो एक बार वो दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर के एक रूस पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए और मजे किए। जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके कई साथी जो कि उससे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उससे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे। और इतना ही नहीं बल्कि कम सैलरी भी लेते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। तो ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए हमको सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये हमको अमीर बनने में हमको मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस जो नए थॉट्स हमको देगा उन पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। जो भी हम कहें उसे पूरी तरीके से यकीन करें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस तभी उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेगा जब आप उसके अपने कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार धीरे दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, क्योंकि जब आप इसको बुराई मान करके नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझ करके इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसों की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि उसका दोस्त जब उससे ज़्यादा कमाता है या आगे निकल चुके रहते हैं तो ऐसे लोग जल भून करके खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोस रहे होते हैं। तो पैसे की ताकत बड़ी है मगर इसे भगवान ना बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, लेकिन असली खजाना तो हमारे दिमाग में छुपा है, जो हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं। और इसीलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। आगे चैप्टर नंबर 11 और 12 में हम जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सफलता का साथी है, और अब जाने कि साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सफल होने के लिए 3 खास स्टेप है। पहला स्टेप, अपने पसंद की चीज़ें कीजिए जिनसे हमको खुशी मिलती है। अगर हमको पता नहीं है वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। दूसरा स्टेप, किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें जो हमको पसंद हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लीजिए हमको डेंटिस्ट का काम पसंद है,
तो इसके किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाइए, जैसे कि एंडोडोटिक्स या फिर ओरल सर्जरी या किसी और चीज़ में। और तीसरा स्टेप है, जो भी हमको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये काम आएगा। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त हमको सबकॉन्शियस पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे, एडिसन, मार्गोनी, आइंस्टाइन और भी बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ को सुनते थे और इसका उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। बहुत ही कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था वो अपने ख्यालों में ही अपना इन्वेंशन कर लेते थे और वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो भी चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट तक पहुँच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसीलिए इन्वेंट करने से पहले ही वो डिज़ाइन इस तरीके से बनाते थे कि उसका कोई डिफेक्ट ही ना रहे, जिससे उसका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। और अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13वें, 14वें और 15वें के बारे में, जहाँ पे हम जानेंगे कि हमारी सबकॉन्शियस और मेडिटल प्रॉब्लम और खुशियों के बारे में। मतलब ये कि एक ऐसी टेक्निक जिसे मैं पर्सनली इतना तब फॉलो करती हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम रहता है, पर मुझे ना मन में ये डर रहता है कि टाइम पे उठ पाऊँगी कि नहीं, तो मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ कि और ख़ुद को यकीन दिलाती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी और मैं वो काम भी पूरा कंप्लीट कर लूँगी और सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैं सोचती रहती हूँ जब तक ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर उठ जाती हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैं 10 या 15 मिनट पहले भी उठ जाती हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई है एक बार भी। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और ये और कमाल की बात तो ये है कि इसके लिए हमको अलार्म क्लॉक भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखती हूँ सेफ एंड साइड, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे इस बात में कभी भी धोखा नहीं देता, हमेशा अलार्म बजने से पहले उठ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़्यादा पावर है। गाइडेंस का मतलब है हमेशा किसी चीज़ से या पैसे से मदद नहीं होता, हम जागे हुए हैं तभी हमको गाइडेंस मिल जाते हैं। कई बार हमारे सपने भी हमको गाइडेंस दे देते हैं। अपने सबकॉन्शियस पावर को कभी भी अनदेखा ना करें, इससे हमारे हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ सकता है बल्कि सारी शुदा ज़िंदगी पर भी। किसी के साथ ज़िंदगी भर का सफ़र निभाने के लिए हमारा रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। जब हम किसी से प्यार किए बगैर पैसा, पोजीशन या फिर अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता ना कभी भी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते, क्योंकि शादी का वजन किसी भी चीज़ से स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। जहाँ पर दोनों पार्टनर एक साथ सोचते हो, एक साथ जहाँ एक साथ एक होकर के ज़िंदगी कदम कर सकते हैं। जैसे आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले हमको उसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर हम ही खुश नहीं तो हम अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे। अपने पार्टनर से ये उम्मीद ना रखें कि वो हमें हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि हम अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं, परफेक्ट हैं, तभी तो हम किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत ही बड़ी निशानी है कि हमारे मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसी नेगेटिव विचारों को अपना रहे। अगर गलती हो रही है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाए, उसे पकड़ के ना बैठे। यानी मतलब कई लोग तो महीनों सालों एकदम दिल पे बोझा लिए बैठे, इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। अपने साथी और शादी में यकीन रखें, ताकि हमारा सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा ये याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत ही कॉमन है और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने रिश्तेदारों के पास जाने से पहले उस इंसान के पास जाए जो इसका एक्सपर्ट है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? नहीं ना। तो हमारी शादी भी हमारे दांत के दर्द से कम जरूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी भी तीसरे के अलावा कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें। हमारी खुशियां हमारे हाथ में। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारी शादी तो टूटने की कगार पे है,
तो एक ना एक दिन ये सच में हो सकता है, कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को भी यही यकन होता है कि हम खुशियों के बदले नेगेटिव सोचते हैं तो खुशियाँ मिलेगी ही नहीं। अब सवाल ये है कि खुशियाँ छुनी कैसे जाए, तो इसके लिए हमको रोज़ सुबह उठ के खुद यही दोहराना है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बेहतरीन है, जो भी होगा एकदम बढ़िया होगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19 के बारे में, जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर के बारे में हम जानेंगे। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया के सिगमंड फ्रॉयड, जो कि साइको एनालिस्ट के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि जब भी किसी को अंदर से प्यार नहीं होता ना, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचें और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही होता है जो कि जहर पीता है और सोचता है कि उससे कुछ नहीं होगा। ये ना एकदम पागलपन है। तो क्यों हम दूसरों को धोखा देंगे, हर्ट करेंगे, उन्हें दुख देंगे, जब हमको पता है कि ऐसा करने से हमारे ही दिमाग में जहर भर जाएगा, हमारा खुद का नुकसान होगा। लोगों को रेस्पेक्ट देने से, उनको हमेशा से पैसा आने से, जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करेंगे। हम दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये सिर्फ हमारे हाथ में है, औरों के हाथ में नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हमें कोई बेवजह तंग कर रहा होगा, तब क्या? तो जब कोई हमें बेवजह तंग करते हैं तो हमारे हाथ में कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, दूसरों की हरकतें से हमें क्या महसूस करना, ये भी हमारे हाथ में है। अब हम चाहे तो उस बात से चिढ़ के, गुस्सा होकर के पूरा दिन खराब कर सकते हैं, घर में सबका मूड खराब कर सकते हैं, या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाए, उन्हें माफ़ करना सीख जाए। एक्चुअली में ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लोगों को माफ़ करना दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के अगेंस्ट एक एंटीडॉट की तरह काम करता है। जब हम लोगों को माफ़ करते हैं तो हमारी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरीके से लोगों को माफ़ करके हम लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमको मौका देती है। जब कोई गलती से हमारी उंगली कट जाती है या पैर पे चोट लग जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरीके से हमको माफ़ करता है, कोई बात नहीं यार, हो गया जो हो गया, और फिर वो उस चोट को हील करता है, यानी कि उसको ठीक करता है। तो एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि उसको एक दिन हार्ट की प्रॉब्लम हो गया। उस आदमी ने अपने बच्चों के साथ कभी मुश्किल से ही टाइम गुजारा था। तो हमारे लेखक ने उससे बात की और उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने से उसकी वजह यही है कि उसने अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख उसके अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को ही सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी तो वो खुश रह पाएगा। क्योंकि हम इंसान अपने आदत से बहुत लाचार होते हैं, बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच में सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है, सिर्फ उसे चूज करने का। आप क्या चूज करते हैं ये आपकी मर्जी, चाहे तो आप बुरी हैबिट अपनाएं या अच्छी हैबिट, ये सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो हमारी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि वो शराबी है। पहली बार तो उन्हें ये मानने में शर्म आती है कि वो शराबी है, और पछतावा होता है, फिर उनके ऊपर को ठेस पहुंचती है, और रिजल्ट यही होता है कि कभी वो इस चीज़ से छुटकारा पा ही नहीं सकते। तो कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाए कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, तो खुद के पीठ को थपथपा पाए, क्योंकि आपने आधा किलो तो वही ख़त्म कर लिया। अब अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने का पहला रोड़ा है हमारा डर। इसे दूर करने के लिए आप वही करें जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, बहुत 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 मुश्किल हो, लेकिन करके तो देखिए। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने के लिए पहुँची, हालांकि इसकी स्टेज फोबिया की वजह से 3 बार पहले वो फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल और सबकॉन्शियस उस पर जमे हुए थे, और इसीलिए वो हर बार स्टेज पर जाने से पहले से ही डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बहुत ही कमाल का था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी, एक चेयर पे बैठ करके रिलैक्स हो करके वो अपनी आँखों को बंद कर लेती थी, फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी वजह से वो किसी का भी दिल जीत सकती है।
वो खुद से 10-10 बार कहते थे कि अब उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। तो जिस दिन उसका ऑडिशन था उसकी एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई, और कमाल की बात तो ये है कि ये टेक्निक काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी और बहुत ही खूबसूरती से उसने गाना गाया और लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। इसे एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसी के साथ आगे आखिरी चैप्टर 20वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेखक की पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसे रिटायरमेंट किंडरगार्टन के फर्स्ट ग्रेड में जाने के जैसा है, उसके लिए ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है, हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए, क्योंकि उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव लेना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और समझदारी के अलग अलग पड़ाव से गुजरना है। और यही मत से दम तक चलना चाहिए कि हम ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। 65 से 95 साल की उम्र की बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया, उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव ली और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से और बूढ़ा होने से डर लगता था उनकी अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते थे और वो उम्र की नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो मरने से डरते थे। जब डर उन पर हावी हो जाता तो उनके सबकॉन्शियस पर नेगेटिव विचार जमा होने लगते जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है, एंड आई एम श्योर आपको इसे सुनने के बाद में काफ़ी अच्छा फील होगा और आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से गोल पे काम किया जा सकता है इमेजिंग करके, टेक्निक अप्लाई करके। इन सभी के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखें और सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करें। डोंट वरी, थैंक यू।